आज बात करते हैं इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल फिल्टरिंग की डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंतर्गत। अब देखिएगा, इसमें जो हम ऑपरेशन लगाते हैं स्पेशल डोमेन में, सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ स्पेशल डोमेन और फ्रिक्वेंसी डोमेन क्या होता है। जैसे जो इमेज है उसको हम टू डायमेंशनल आपका इंटेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, यानी कि वो मैट्रिक्स फॉर्म में होती है रो और कॉलम्स में। अगर रो और कॉलम्स में है तो हम उसे कहेंगे वो स्पेशल डोमेन में है। अगर हम उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू, अब ये फूरियर ट्रांसफॉर्म भी आप आगे देखेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू हमने उसे फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया, यानी कि स्पेशल डोमेन से अब वो फ्रीक्वेंसी में चले गई। अब आपके पास फ्रीक्वेंसीज होंगी, कोई ऐसे कोई रो और कॉलम में नहीं होगा, तो हम उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कहते हैं। तो स्पेशल डोमेन जहाँ पर आपको रो और कॉलम में मिलेगी और प्रॉपर हर एक एक्स वाई पे एक ब्राइटनेस वैल्यू मिलेगी। तो ऑपरेशन किस तरीके से लिए जाते हैं इसमें, पहला तो यह है कि सीधा पिक्सल वैल्यू पे लगा दीजिए, और दूसरा क्या है कि ये थोड़ा सा कंप्यूटेशनली काफ़ी एफिशिएंट होता है, थोड़ा सा कम रिसोर्स यूज़ करता है। तो ऑपरेशंस ये इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल फिल्टरिंग ये इसमें लगाए जाते हैं। इसका अगर जनरल फॉर्म देखा जाए तो आप ये ट्रांसफॉर्मेशन डी लगा रहे हैं, इट्स ये आपकी इनपुट इमेज है, ये आपकी आउटपुट इमेज है। तो हम मैं जब भी एफ की बात करूंगा ये आपकी इनपुट इमेज होगी, जब भी जी की बात करूंगा ये आपकी आउटपुट इमेज होगी, और ये टी है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हम एक ही करके देखेंगे। अब देखिएगा इसमें ये एक कोई भी पिक्सल एक्स वाई ले लीजिए, तो इसके साइड में जो बक्सा बनाया हुआ है 9 बॉक्स देख रहे हैं, बल्कि 8 बॉक्स देख रहे हैं, ये सारे इसके नेबरहुड है, 3x3 नेबरहुड है। ये एक्स वाई है, ये इसके नेबरहुड है, इसको हम नेबरहुड, ये रीजन को नेबरहुड रीजन कहते हैं। और बहुत छोटा हमने लिया है 3x3, बहुत छोटा पार्ट हो सकता है, और 3x3 लिया है क्योंकि हम जो भी ऑपरेशन करेंगे ना उसकी वैल्यू यहीं पर रिप्लीकेट कर देंगे, यहीं पर जो वैल्यू है उस पर चेंज कर देंगे। अब ये 3x3 हो सकता है आपका, आपका 5x5 हो सकता है, 7x7 हो सकता है, जितने भी आप नेबरहुड वैल्यूज लेना चाहें। यहाँ से ओरिजिन होती है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ध्यान रखिएगा स्पेशल डोमेन में इसी तरीके से हम लोग इमेज को देखते हैं। ये ओरिजिन है, ये वाई, ये एक्स, ये एक्स या ये वाई नहीं है, ये वाई एक्स वाई है, ये एक्स है, ध्यान दीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, ओरिजिन यहाँ होती है और हम इन पे ऑपरेशन करेंगे 3x3 नेबरहुड पे। तो स्पेशल फिल्टरिंग एक आपकी जो दूसरी चीज है, इस पर इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेशन करते हैं पूरे इमेज पे, और इसमें ऑपरेशन होते हैं जो अभी मैंने आपको नेबरहुड दिखाया, ये नेबरहुड पे, इस नेबरहुड पे, और इसमें कुछ प्री डिफाइंड फिल्टर्स होते हैं, स्पेशल फिल्टर्स हैं। ये स्पेशल फिल्टर को हम क्या कहते हैं, स्पेशल मास्क, कर्नल, टेम्पलेट, विंडो, ये चारों नाम किसी भी किताब में अगर आपको दिखे तो आप समझ जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये कुछ नहीं है, ये 9 जो आपको बक्से दिख रहे हैं, ये 9 बक्सों में जो वैल्यूज होगी प्री डिफाइंड वैल्यू, वो ही स्पेशल मास्क, कर्नल, टेम्पलेट या विंडो। कोई भी अगर, क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है कि जब पहली बार सुनते हैं तो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगता है, कोई आपका दोस्त यूज़ कर रहा होगा कर्नल, कर्नल शब्द, आप बोलेंगे यार ये क्या है, तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा। कोई बोल देगा टेम्पलेट लगा रहे हैं, स्पेशल मास्क लगा रहे हैं, जबकि कुछ नहीं, सब एक ही चीज़ है, वो आपकी जो मैंने अभी आपको बताया। पॉइंट प्रोसेसिंग को समझिए, 1x1 का हम जो अभी 3x3 का लिया था 1x1 ले लीजिए, और जी जो है वो केवल एक वैल्यू पर लगाया जाता है एफएक्स वाई पे। इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से होता है, एक वैल्यू पे लगाया गया, एक वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू पे, 3x3 नहीं लेते, केवल एक ही वैल्यू पे लगा दिया और ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल गया। तो ये एस और आर जो है आपके एक केवल पिक्सल वैल्यू है, और इसे हम ग्रे लेवल या मैपिंग फंक्शन भी कहते हैं। इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे ये देखिए एक एग्जाम्पल है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग, ये है आपका थ्रेश होल्डिंग। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग में क्या हुआ, देखिए पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारे पास ग्रे वैल्यू या फिर हमारे पास जो रेंज है वो पूरा है, लेकिन ये इमेज जो है ये पर्टिकुलर इमेज केवल यहाँ से यहाँ तक यूज़ कर रही है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये जीरो है, यहाँ से यहाँ तक जीरो है, तो केवल ये जो एरिया है ये यहाँ से यहाँ तक केवल इतना एरिया ये यूज़ कर रही है। तो अगर हम इसको स्ट्रेच कर दें तो हमारी इमेज किस तरीके से चेंज होगी, ये भी एग्जाम्पल देखेंगे। और यहाँ पर तो बहुत ही इससे भी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसके आगे ये देखिए केवल यहीं पर आपको वैल्यू मिल रही है, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रही, यहाँ कुछ नहीं मिल रही, ये तो थ्रेशोल्डिंग फंक्शन है। तो हम देखेंगे किस तरीके से हमारी वैल्यूज चेंज होगी, जैसे हम अपने फंक्शन ये सब जो कमियाँ हैं एक इमेज की इसको दूर करेंगे, और उसके बाद हमारी इमेज इतनी सुंदर बन जाएगी, तो आप अप्रिशिएट करेंगे इमेज प्रोसेसिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे मैंने आपको बताया था पिक्सल वैल्यू आर को वो एस में चेंज कर देता है, और यहाँ पर हम वी आर ओनली कंसर्न विद डिजिटल डेटा।
और उसमें लुकअप टेबल आता है बीच में, तो हमारे पास तीन बेसिक टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सारी बात अगर नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। तीन बेसिक टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिनको हम इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं। तीन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक लीनियर है, एक लॉगरिथमिक है, एक पावर है। लीनियर नेगेटिव आइडेंटिटी जैसे स्ट्रेट लाइन वाले, लॉगरिथम जैसे लॉगरिथम का भी आपको ग्राफ याद आ रहा होगा, लॉग या इनवर्स लॉग, पावर लॉ यानी 2 to the power 3, 2 to the power 4, 5 की पावर 6, इस तरीके से जो होते हैं, और nth रूट यानी क्यूब रूट ऑफ से 256 ऐसे करके, इस तरीके से हमारे पावर लॉ हुई। तो लीनियर लॉगरिथमिक और पावर लॉ अगर हम ये लगाएंगे अपने अपने इमेज में, देखिएगा क्या चेंज आता है। ये इंटेंसिटी लेवल है, ये आउटपुट इंटेंसिटी लेवल है, ये आर है, आर में चेंज करेंगे तो एस मिलेगा। देखिए आइडेंटिटी करेंगे तो ये मिलेगा, नेगेटिव करेंगे तो उल्टा मिल जाएगा। एनएथ पावर करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, एनएथ रूट करेंगे जो कुछ इस तरीके से मिलेगा, इनवर्स लॉग करेंगे तो ऐसे मिलेगा, लॉग करेंगे तो ऐसे मिलेगा, क्योंकि लॉग और इनवर्स लॉग का ग्राफ ही ऐसा होता है। नेगेटिव करना है आपको जो भी वैल्यूज है, मान लीजिए आपकी ये वैल्यू 0 से लेकर 255 तक जा रही है, ठीक, आपकी 255 तक जा रही है, आप क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू, उसको 255 से माइनस कर दीजिए। देखिए हाईएस्ट जो वैल्यू है आपकी एल माइनस, उससे हर वैल्यू माइनस कर दीजिए, आपको नेगेटिव मिल जाएगा। देखिए ओरिजिनल डिजिटल मेमोग्राम है और इसका नेगेटिव कर दिया तो आपको कितनी बेहतरीन इमेज मिल गई है ना। ऐसी आपके पास लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का जो जनरल फॉर्म है वह है एस इज इक्वल टू सी लॉग 1 प्लस आर। आर आपको इनपुट है, एस आपका आउटपुट है, सी आपका कॉन्स्टेंट है। तो इसमें क्या होगा कि जो नैरो रेंज इंटेंसिटी वैल्यू है उसको हम वाइडर आउटपुट रेंज में चेंज कर सकते हैं, या अपोजिट भी इसका ट्रू है। और बस आप ये समझ लीजिएगा आपको जो चीज़ घुसी घुसी है, यानी कि एक आपको रेंज मिला हुआ है, मान लीजिए आपको 1000 रुपये दिए गए हैं और आप केवल 5 रुपये खर्च करके आ गए, तो आपको बोला जाएगा कि 1000 रुपये खर्च करिए, वही हम इस 5 जो खर्च किए गए हैं उसको 1000 करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म पे गया है, फूरियर स्पेक्ट्रम में दिखाया जा रहा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब ये इमेज नहीं है, अब ये हमारी इमेज स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गई है। तो ये हमारी इमेज इस तरीके से दिखती है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो अगर हम इस फूरियर स्पेक्ट्रम में अगर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें और यहाँ पर हमने सी इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस आर में सी को 1 रख दें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप एनहांस कर सकते हैं, फिर वापस इसको स्पेशल डोमेन में जाके दिखा दीजिए, देखिएगा आपको क्या बेहतरीन इमेज मिलेगी। पावर लॉग के बारे में समझिएगा, ये गामा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं इसको, खासतौर पे ये जो मॉनिटर्स होते हैं उसमें जो डिस्प्ले है उसमें बड़ा काम आता है। देखिए एस इज इक्वल टू सी आर की पावर गामा, इसमें सी कॉन्स्टेंट है, गामा कॉन्स्टेंट है, आर केवल इनपुट है, एस आपका आउटपुट है, एस इज इक्वल टू सी आर टू द पावर गामा। ये ध्यान रखिएगा, इस गामा को चेंज करेंगे आपको कैसे वैल्यूज मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो पावर लॉ ये कर्व्स विद फ्रैक्शन वैल्यूज ऑफ गामा, ये हम फ्रैक्शन वैल्यूज लेंगे, ये मैप क्या करता है, नैरो रेंज ऑफ डार्क इनपुट वैल्यूज को वाइडर रेंज ऑफ आउटपुट वैल्यूज। बात यही है, आज आपको 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, आप 5 ही रुपये क्यों खर्च करें, 100 ही रुपये क्यों खर्च करें, आप पूरे खर्च करिए ना, पूरी जो आपको स्क्रीन की वैल्यू मिली है या फिर आपको ब्राइटनेस वैल्यू मिली है पूरा यूज़ करिए उसको, ये तो पूरा यूज़ करने में आपको बाध्य करता है पावर लॉ। तो आउटपुट ऑपोजिट ये इसमें अगर ज़्यादा वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम में लाना, ये भी आप इससे कर सकते हैं इन वैल्यू को चेंज करके। देखिएगा गामा की अलग अलग वैल्यू पे किस तरीके से इंटेंसिटी वैल्यू आर एस में चेंज हो जाती है, ये अलग अलग वैल्यूज है, एस इक्वल टू सी टू आर टू पावर गामा। लेकिन मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल जब लेंगे तो आपको बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया आएगा। तो कई डिवाइसेज जैसे इमेज कैप्चर करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट करते हैं, और वो करते हैं पावर लॉ की तरह, पावर लॉ इसमें यूज़ करते हैं। तो इसी को, ये जो पावर लॉ है, जो एक्सपोनेंट है उसी को हम गामा कहते हैं, जो एक्सपोनेंट है पावर लॉ की इक्वेशन में, ये गामा है, दिस इज गामा। तो गामा अगर आप ये वाला सी आर की पावर गामा लगाएंगे तो इसे कि हम पावर लॉ कहते हैं। तो CRT डिवाइसेज हैं जिसमें आप CRT कैथोड रे ट्यूब डिवाइसेज हैं, जिसमें 1.8 से लेकर 2.5 अगर गामा वैल्यू डालेंगे तो आप देखिएगा आपकी बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आएगा। और गामा करेक्शन आप इस तरीके से लगा सकते हैं जैसे आर की पावर 0.4। अभी मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपकी ओरिजिनल इमेज है,
ठीक, ये आपकी इमेज है मॉनिटर में जब आप गामा क्या लगा रहे हैं 2.5, ये आपकी गामा करेक्टेड इमेज है, ठीक, सेम उसी मॉनिटर में। तो आप समझिए कि, और ये भी आपकी इमेज है, ये भी आपकी करेक्टेड इमेज है, तो आप देखिए ये इमेज आपके पास है, ये इमेज है, कौन सी अच्छी है? यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एकदम बेहतरीन हो जा रहा है, गामा करेक्टेड इमेज एज वुड द सेम मॉनिटर, सेम मॉनिटर। तो अगर आप गामा करेक्शन करके दिखाएंगे तो आपको और अच्छी इमेज दिखाई देगी। आप देखिए ये MRI का रिजल्ट है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट देखिए, गामा को हमने ये जो है इसमें पहले हम ये 0.6 लगाया, यहाँ पर आ गया 0.4 लगाया, ये आया 0.3 लगाया, ये आया, गामा की वैल्यू 0.6 0.4 0.3 लगाने पर क्या बेहतरीन आपको इमेजेस मिलेगी। ये है इमेज प्रोसेसिंग का पावर। ये आपने देखिए गामा को करेक्शन लगाया, आपके पास जो इमेज है कितनी धुंधली है, बहुत ऊपर से ली गई है। तो अगर 3 लगाएंगे तो ये आएगा, 4 लगाएंगे तो ये आएगा, 5 ही लगाएंगे तो ये आएगा। सी आपको केवल क्या करना है, एस इज इक्वल टू सी इनटू आर टू द पावर गामा, गामा की वैल्यू चेंज करनी है और आपकी जो एस वैल्यू आएगी, जो आउटपुट वैल्यू आएगी, कितनी सुंदर आ गई। पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक होता है, पीस वाइज ट्रांसफॉर्मेशन, ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और देखिए थोड़ा सा इसमें यूजर इनपुट की काफ़ी, मतलब यूजर का इनपुट इन्वॉल्व है, यूजर को इसमें खुद करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन इसके आउटपुट बड़े बेहतरीन आते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग है, इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग है, बिट प्लेन स्लाइसिंग है। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग देखेगा, देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक गया, ये इमेज का बेसिकली इंटेंसिटी लेवल यानी ब्राइटनेस वैल्यू को अगर हम अगर प्लॉट करें तो यहाँ से 0 से लेकर ये एल तक गया, लेकिन देखिए यहाँ पर और यहाँ पर केवल यही, केवल जो आपकी ब्राइटनेस वैल्यू से वेरी कर रही है, मतलब केवल इतने से इतना रेंज यूज हो रहा है, बाकी रेंज का क्या होगा, इसने एक्चुअल रेंज से यूज किया ही नहीं। R1S1 अगर ये है और R2S2 ये है, तो हम क्या करते हैं, इसका फुल इंटेंसिटी रेंज यूज नहीं हो रहा है, तो हम R1 को R2 कर देते हैं, S1 को 0 कर देते हैं, यहां पर ले आते हैं, S2 को पूरा हाईएस्ट 256 वैल्यू और जो भी वैल्यू L-1 जो भी हाईएस्ट वैल्यू वो दे देते हैं, तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा इस तरीके से लाइन बन जाएगी, पूरा ये पूरा का पूरा करेगा, पूरा यहाँ से लेकर 0 से 256। अगर मैं 8 बार बार मैं बात करूँगा तो आप समझ लीजिए मैं 8 बिट की बात कर रहा हूँ, जो उसका रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है, 2k/8 दैट इज 256। तो देखिए थ्रेशहोल्डिंग कितना बेहतरीन हो गया यहाँ पर, ये इमेज को अगर हमने पूरी पूरी उसकी बिना इंटेंसिटी रेंज को यूज़ करवा दिया तो आपकी कितनी सुंदर इमेज आ रही है। इसी तरीके से देखिएगा आपका इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग है, दो तरीके से हो सकती है, एक तो क्या कर सकते हैं कि जो आप, ये कब यूज होता है, जब आप कोई स्पेसिफिक रेंज ऑफ इंटेंसिटीज में ही इंटरेस्टेड होते हैं, यानी मान लीजिए 0 से लेकर 255 तक जा रहा है और आप केवल इंटरेस्टेड है, मैं तो चाहता हूँ 100 से लेकर 120 में इंटरेस्टेड हूँ, तब क्या करूँगा मैं 100 से 120 को हाईलाइट कर दूंगा, बाकी सबको 0 कर दूंगा, पहला तो ये होता है, सबको वाइट कर देंगे बाकी ब्लैक को कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि 100 से लेकर 120 तक है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा और बाकी ऐसे ही छोड़ दूंगा, बाकी जैसी आ रही है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये दो तरीके हैं इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग के। तो देखिए एक इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग में एक को हाईलाइट किया गया, मतलब जैसे जिस रेंज में इंटरेस्टेड है उसको हाईलाइट किया, बाकी सबको 0 कर दिया गया, और इसमें क्या किया गया कि बाकी जो जिसमें इंटरेस्टेड है उसको तो हाईलाइट किया गया, बाकी को वैसे ही छोड़ दिया। तो क्या ज़बरदस्त, इसमें आपको जो पर्टिकुलर एरिया देखना है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि अगर मैं केवल इस पार्ट में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं क्यों ये सब देखूँ, क्यों ये सब देखूँ, ये इसमें मेन मुद्दा है। बिट प्लेन स्लाइसिंग देखिएगा, ये पिक्सल्स हैं वो डिजिटल वैल्यूज हैं, ये इसमें बिट्स होते हैं, ठीक, क्योंकि आप देखिए 0 to 256 में बार बार बोलता रहता हूँ, यानी कि 2k/8 यानी कि 8 ग्रे लेवल्स हैं, हर एक ग्रे लेवल का एक प्लेन है। अब देखिए एक बिट लेवल 1 से लेकर बिट लेवल 8 तक, तो अगर आप एक 18 बिट एक 8 बिट या बाइट इमेज की बात करें तो उसमें 8 प्लेन होते हैं अलग अलग, है ना, ऐसा कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक बिट प्लेन का अलग अलग होता है। जैसे मैं अगर एक इमेज दिखाऊँ आपको, इस इमेज में क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 बिट प्लेन अलग अलग दिखाते हैं। अब इसमें किसी पे तो बहुत अच्छी इमेज आती है, किसी पे थोड़ी ख़राब इमेज आती है, तो क्यों हम इसको यूज़ करें या इसको, इसमें तो कुछ कंटेंट ही नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 तक, बल्कि 4 तक कोई कंटेंट नहीं है, इसको क्यों यूज़ करना है, इसको हटा दीजिए। वही काम यहाँ पर हुआ है, देखिएगा बिट प्लेन स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं कि इससे हम ये पता कर, दो हमारे फायदे हो जाते हैं,
हम ये देखते हैं कि कितने बिट चाहिए हम इसको क्वांटाइज करने के लिए इमेज को। अब अगर मैं तीन ही बिट चाहिए मुझे, ये देखिए तीन ही से काम चल जा रहा है, तो बाकी को क्यों करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इमेज कंप्रेशन, अगर तीन ही बिट में काम हो जाए, जैसे 2 to the power 8 256 जाता है, 2 to the power 3 कितना जाता है, 8 तक जाता है, तो 256 बिट का स्टोरेज और 8 बिट का स्टोरेज, आप समझ लीजिए कितना फ़ायदा होता है आपको। तो देखिए ये अगर आप इसको इमेज को दोबारा देखेंगे, इन सारी इमेज को, तो अगर केवल मैं 7 and 8 केवल ये और ये लेता हूँ, तो मेरे पास थैंक्स पहले आ गया, 7 and 8 को मैं लेता हूँ तो ये आएगा, 6, 7, 8 को ये लेता हूँ तो ये आएगा, और केवल 5, 6, 7, 8 को लेता हूँ ये आएगा। तो ये फ़ायदा कितना हो गया, इमेज कंप्रेशन इससे कर सकते हैं और नंबर ऑफ बिट्स कम कर सकते हैं। होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि स्पेशल फिल्टरिंग क्या है और किस तरीके से हम इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।